हे लक्ष्मी जी पिया जी, आज ये तुमने दर्द भरा मुंह सा बना रखा है, क्या कारण है? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम मेरे पास चल करके आई हो, मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि तू वापसी सालकोट के लिए चली जाइए। पिया जी, हाँ, जब मेरी शादी आपके साथ हुई थी तो बहुत सारी उमंग, बहुत सारे सपने अपने दिल में लेके आई थी। सोचा था कि जिस डोली में बैठकर आज अपने सासरे जाऊं, जिस डोली में बैठ के आज अपने सासरे जाऊंगी, आज के बाद उसी सासरे से मेरी अर्थी उठेगी, मैं अपने घर वापस नहीं आऊंगी। कैसी बात करती हो लक्ष्मी? लेकिन ये क्या हो गया पिया जी? आपको फांसी की सजा हो गई। मेरे सास ससुर ने मुझे ये कह दिया कि बेटी लक्ष्मी, जब तेरा पति ही नहीं रहेगा तो फिर तू यहाँ रह के क्या करेगी। उन्होंने इस डोले में बिठाकर मुझे वापस भेज दिया पिया जी, वापस भेज दिया। कैसी बात करती हो लक्ष्मी? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे आप मिल गए, आपके दर्शन हो गए। अगर आप मेरे बारे में थोड़ा भी फिक्र करते हो तो हाथ जोड़ के कहती हूँ पिया जी, इन मुगलों से माफी मांग लो पिया जी। कैसी बात करती हो लक्ष्मी? मैं इन मुगलों से माफी मांगूंगा? ये कदापि नहीं हो सकता। मैं अपना धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं कर सकता। यह हकीकत मर तो सकता है, मिट तो सकता है, लुट तो सकता है, टूट तो सकता है, बिखर तो सकता है, लेकिन उन मुगलों से माफी कदापि नहीं मांग सकता। उन मुगलों से माफी मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा। पिया जी, क्या आपने यही दिन दिखाने के लिए मुझसे शादी करी थी? नहीं, आपने तो अग्नि को साक्षी मानकर मेरे संग साथ फेरे लिए थे। बिल्कुल कसम, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं तेरा 7 जन्मों तक साथ निभाऊंगा। फिर ये मैं क्या देख रही हूँ पिया जी? आप तो 7 जन्मों की बात करते थे, लेकिन आप तो पहले ही जन्म में मेरा साथ नहीं निभा पाए पिया जी। नहीं लक्ष्मी, ऐसी बात नहीं है। एक बार तो सोच के देखिए। उस परम पिता परमात्मा को मंजूर ही ऐसा था, क्योंकि इंसान को अगर ठोकर भी लगती है वो भी उसके कर्म के अनुसार लगती है। लक्ष्मी, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था, उस परम पिता परमात्मा को मंजूर ही ऐसा था। लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं साक्षी मानकर के अग्नि को मैंने कसम खाई थी, मैंने वचन उठाए थे, लेकिन तेरा वचन पूरा जरूर करूंगा। अगर इस जन्म में मैंने नहीं किया तो अगले जन्म में आकर के तेरा वचन जरूर पूरा करूंगा लक्ष्मी। लेकिन मैं मजबूर हूँ। इस दुनिया में आपके बिना कैसे रहूंगी पिया जी? मेरी बात सुनिए जरा। कहिए क्या कहना चाहती हूँ। थारे बिन रहूंगी कैसे? कहीं भी सहारा ना, मेरी वापसी चली जा शाद कोट मेरी, वापसी चली जा शाद कोट मेरी, थारे बिन रहूंगी कैसे? चली जा शान कोट मेरी, वापसी चली जा शान कोट मेरी। ओ भाई बबलू, जवानी पिया कैसे कटे रे, तने देख
देखे गोरी मेरा काल जा फटे चौपन जवानी पिया कैसे कटे तने देख गोरी मेरा काल जा फटे हो कटेगी जिंदगी कैसे कटेगी जिंदगी कैसे थारे बिन प्यारा ना फांसी पे चढ़ूंगा बे हो तेरी फांसी पे चढ़ूंगा मैं बे हो तेरी किया था उस वादे को कैसे भूल सकते हो बिल्कुल नहीं भूल सकता जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा मैंने बहुत दुख देखे इस जीवन में अब इस शरीर के अंदर इतनी हिम्मत इतनी ताकत नहीं जो और दुखों का सामना कर सकूं हाँ जोड़ती हूँ मान जाइए मेरी बात पिया जी लेकिन प्रिय तुम्हारा ये पति बेघोट फांसी पर चढ़ाया जा रहा है अगर मैं मुसलमानों से एक बात बोल देता हूँ कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ मैं हिंदू तक छोड़ करके मुसलमान बन रहा हूँ तो मैं बच सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा हरगिज भी नहीं कर सकता लक्ष्मी मैं ऐसा हरगिज भी नहीं कर सकता मेरी बात सुनिए क्या कहना चाहती हूँ भाई और पिता भी गए छोड़ के तेने चले गई मुँह मोड़ के भाई और पिता भी गए छोड़ के कितने चले गई मुँह मोड़ के तोड़ के चले पिया बंधन तोड़ के चले पिया बंधन आओगे दोबारा रहना पाऊ तेरी जोत मेरी रहना पाऊ तेरी जोत
कर दे अंधेरा इस जहान मेरे। प्रीत तू लगा ले री भगवान मेरी, जो कर दे अंधेरा इस जहान मेरे। प्रीत तो लगा ले उस भगवान मेरी, खो दूंगी जान में जब, खो दूंगी जान में जब दिखेगा किनारा ना। झेल जा धर्म की गोरी चोट ने, झेल जा धर्म की गोरी चोट ने। सुंदर तरज से यो सुहावनी, ऋषि पाल रागनियों सावनी, वो कोई तरज से यो लोगो दी सुहावनी। थामनी पड़े महफिलियो, थामनी पड़े महफिलियो, चांद सा सितारा ना। चट्टान छुप जा तिल की ओट मेरी, चट्टान छुप जा तिल की